Hello everyone, today we are going to cover the topic of design of pile foundation. In my earlier video you have seen the design of strap footing which we discussed, and we performed the designing by working stress method. So we are going to do today the design of pile foundation. We'll be covering it in WSM method only, and in the end I'll also tell you about how to proceed through limit state method also. There is nothing difference, bas jab hum load calculate karte hain, service load calculate karte hain ya ultimate load lete hain, tab jo hamari formulation hoti hai IS 456 2000 ke according wo thodi si change ho jati hai. Baki jo designing hai, like for example hum pile foundation ki baat kar rahe hain, this is one of the cross sections which have length of the pile, this is pile head, bottom head, pile head, and this is entire length. Here we have spiral reinforcement, we have lateral reinforcement also, we have longitudinal reinforcement also, and we have spacer forks and links also. If you go through the 3D diagram of this pile foundation, you will imagine how these cage of reinforcement is made. So the numerical problem we have: design a pile under a column transmitting an axial load of 800 kilonewton. The pile is to be driven to a hard stratum available at a depth of 8 meters. Use M20 concrete grade and Fe415 steel. This is the design problem we have been given. We have to design one of the piles over which a column is transmitting an axial load of 800 kilonewton. The pile is to be driven to a hard stratum under beneath the soil at a depth of 8 meters, and we have to use M20 concrete and Fe415 steel. तो हम सबसे पहले, एज ऑलवेज, जो हमारी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं. हमारे पास जो जो क्वेश्चन में गिवन है, डिजाइन प्रॉब्लम में जो जो पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको जॉट डाउन कर लेते हैं. सो गिवन, फर्स्ट वी हैव लोड डिनोटेड बाय PU, दैट इज इक्वल टू 800 किलो न्यूटन. नाउ पाइल इज टू बी ड्रिवन एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर्स, देन M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब जब हम लेंथ ऑफ पाइल देख रहे हैं, अब हमें दिया हुआ है कि 8 मीटर्स है, तो कुछ उसकी जो लेंथ है वो ग्राउंड के अबव भी होगी जब हम उसकी पाइल कैप में होगा. लेट मी शो यू अ डायग्राम सो यू कैन इमेजिन अ 3D डायग्राम ऑफ दिस. जस्ट वेट, यस, इट विल लुक लाइक दिस. ऐसा कुछ कॉलम होगा, ठीक है, ऐसे पाइल्स के सेक्शंस होंगे. ये कुछ डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है. बाकी ये जो लेंथ है वो हमें बता रहा है कि 8 मीटर्स है, तो उसका कुछ पोर्शन अपर प्रोजेक्टेड होगा उसके पाइल कैप में. तो वी हैव टेकन द लेंथ ऑफ पाइल अबव द ग्राउंड इंक्लूडिंग द पाइल कैप, अराउंड हमने ले लिया 0.6 मीटर है, 600 mm कुछ हमारा ऊपर की तरफ है. सो टोटल लेंथ ऑफ पाइल विल टेक इट 8.6 मीटर्स. ओके, जब हम डिजाइनिंग करते हैं, जब हमारे पास डिजाइन के पैरामीटर्स होते हैं, हमें रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग डिजाइन करनी होती है. सो हम पहले क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस टेक द साइज ऑफ पाइल बी 400 × 400 mm. अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 400 × 400 ही लें, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप 300 × 300 भी दे सकते हैं. हमें मोस्टली, हम स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन की लेते हैं, तो इसलिए ये डायमेंशन सेम है लेंथ एल और बी की. अब यहाँ पे हम 450 × 450 भी ले सकते हैं, 250 × 250 भी ले सकते हैं. तो रफली एक आइडिया लेते हैं हम कि हाँ, अगर हमारा ज़्यादा किलो न्यूटन लोड है ना, तो हम अराउंड 300, 400 और 500 mm के बीच में लेके चलते हैं. तो जो, लेट अस टेक द साइज ऑफ पाइल बी 400 × 400 mm. तो सबसे पहला हमारा स्टेप, जैसे हमने स्ट्रैप फुटिंग में या पिछले हम जो न्यूमेरिकल्स करते थे उसमें भी हमारे यही प्रोसीजर्स रहते हैं, सबसे पहले हम लोड कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जब हमें लोड कैलकुलेट करना है, अब
सबसे पहली चीज जो हमें डिजाइन करनी है, हमेशा याद रखना है पाइल में, एक अब थंब रूल बना लो कि सबसे पहले हमें जो ये लेटरल लेंथ है, सॉरी ये जो लेंथ है ना पाइल की, इसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, दूसरा है हमारा लेटरल रीइंफोर्समेंट, तीसरा है हमारा स्पेसर एंड फोक्स। अब जो लॉन्गिट्यूडनल है वो तो पूरे हमारे क्रॉस सेक्शन पे रन करती है, और जो लेटरल है वो हमारी कहाँ कहाँ आएगी, एक तो हमारी पाइल हेड पे आएगी एंड बॉटम साइड आएगी, टॉप एंड बॉटम ऑफ द पाइल हेड, ठीक है। तो यहां पे हम बॉटम एंड टॉप के लिए दो अलग हैं। हमारे जो सारे स्टेप्स हैं, स्टेप है हमारे जो डिजाइनिंग के, ये देखिए आप यहाँ लोड कैलकुलेशन, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, देन वी हैव लेटरल रीइंफोर्समेंट, नियर पाइल हेड, नियर पाइल हेड एंड नियर पाइल एंड। तो हमारे यही अप्रोच रहने वाला है कि हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, फिर लेटरल रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, फिर लेटरल रीइंफोर्समेंट बॉटम पे भी और टॉप पे भी पाइल हेड के, एंड देन स्पेसर एंड फोक्स हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो सबसे पहले जब हम लोड कैलकुलेट करते हैं, अब आप इस इमेज से देख सकते हैं जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ये एक लॉन्ग कॉलम की तरह एक्ट करता है, ये जो लेंथ है पाइल की इट एक्ट एज अ लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम के लिए हम हमेशा एल बाय डी रेशो देखते हैं, एल बाय डी रेशो देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है, एल बाय डी रेशो हमारी क्या है, लेंथ ऑफ पाइल, ठीक है। लेंथ हमारी जो बनी है 8.6 जो हमने कैलकुलेट की थी, और डी कितना होगा उसका डायमेंशन जो डाया है ना, इट विल बी 400 mm, तो हम यहाँ पे 0.4 ले लिया है मीटर, ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आया 21.5, ठीक है। अब हमें पहले भी पता है जब हम कॉलम वगैरह की डिजाइनिंग करते हैं, एल बाई डी रेशियो अगर लेस देन 12 होता है या ग्रेटर देन 12 होता है तो इसको हम शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम डिफाइन कर देते हैं। सो सिंस देयर दिस इज ग्रेटर देन 12 देन पाइल बिहेव्स एज अ लॉन्ग। सो एज पर कोड जब हमारी एल बाई डी रेशियो ग्रेटर देन 12 आ जाती है तब हम एक रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं। दिस इज पेज नंबर 81 ऑफ IS 456, देखिए यहाँ लिखा हुआ है परमिसिबल लोड्स इन कंप्रेशन, ये है एनेक्स्चर बी IS 456 स्ट्रक्चरल डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यहाँ जब हम परमिसिबल लोड्स लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग कॉलम्स के लिए एक रिडक्शन कोफिशिएंट आता है CR विच इज इक्वल टू 1.25 L इफेक्टिव अपॉन 48B। अब L इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव लेंथ कॉलम की, और B क्या है लेटरल साइड जो लीस्ट डायमेंशन है कॉलम की हम उसको कंसिडर करते हैं। अब हमारा जो लोड है वो किसके बराबर है, सिग्मा सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, देन एरिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट, देन हमारे पास परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर कॉलम बार्स है, देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील है। तो हम ये भी आगे यूज करने वाले हैं। सो दिस इज गिवन ऑन द पेज नंबर 81 इन एनेक्स्चर बी ऑफ IS 456 कोड। सो मूविंग ऑन, एल बाई डी रेशियो हमारे पास आ गई हमारी 21.5। सो यहाँ पे हम लगा देंगे रिडक्शन कॉफिशियंट CR विच इज इक्वल टू 1.25 L इफेक्टिव अपॉन 48D। तो यहाँ पे L इफेक्टिव की लेंथ हमारा है 8.6 meter, उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे 48 into D, D इज द लेटरल लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इनमें से अगर मान लो हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन माना होता यहाँ पे है ना, या हमें गिवन होता डिजाइन प्रॉब्लम में, तो जनरली हम स्क्वायर लेके चलते हैं, अगर हमें डिजाइन प्रॉब्लम में दिया हुआ है रेक्टेंगुलर तो हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे साइज ऑफ पाइल, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन, हेयर डी इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये है ओके।
अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो कॉफिशेंट है, रिडक्शन कॉफिशेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.8। तो जो हमारा डिज़ाइन लोड है 800 किलो न्यूटन जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था, उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.8 से, तो वो हमारा क्या है 1000 किलो न्यूटन। अब जहां पे भी हमने लोड की वैल्यू लेनी है, जो हमारा डिजाइन लोड है, दैट विल बी इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। सो दिस वाज आवर स्टेप वन, सिंपल लोड कैलकुलेशन। हमने जो क्रॉस सेक्शन है वो लॉन्ग कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि एल बाय डी जो रेशियो है हमारी ग्रेटर देन 12 है, तो वहां पे एक रिडक्शन कॉफिशियंट लगा के हमारे डिजाइन लोड की जो वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई। दिस वॉज आवर सिंपल फर्स्ट स्टेप। नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स आर स्टेप नंबर सेकेंड, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। सबसे पहला स्टेप मेन स्टील जो हमने डिटेलिंग देनी है वो, अब कोड के अकॉर्डिंग दिस इज इन अकॉर्डेंस टू लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हमारी कॉलम की होती है, दिस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सिग्मा सी सी ए सी इंटू सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी। अब ये है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर B3.1, पेज नंबर 81 ऑफ द कोड। दिस इज इन एनेक्सचर B, हियर इट इज, यू कैन सी इट इज B3, दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास है, दिस इज ऑन पेज नंबर 81 ऑफ IS456 कोड है हमारा जो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट कर देंगे, अब हमारा लोड क्या है P 1000 किलो न्यूटन, और हमारे पास सिग्मा सी सी ए सी सिग्मा एस सी ए एस सी, अब ये क्या है, ठीक है, ये परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यूज हैं हमारी स्टील की और कॉन्क्रीट की। तो हमारे पास जनरल जो हमारे रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू IS456, तो हमारे जो सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ से लेते हैं। तो हमारे पास M20 कॉन्क्रीट के लिए हमारा जो कंप्रेशन में जो हमारा वैल्यू आती है वो है सिग्मा सी सी इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे वही वैल्यू ली है, ठीक है। देन इट इज 16 × 10⁴। अब ये कहाँ से आया, दिस इज एरिया, ओके, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, दिस इज डायमेंशन B × D। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉन्क्रीट में से हम स्टील का माइनस करेंगे, उसकी हमने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। फिर हमने सिग्मा स्टील का जो है हमारा 190 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी इस टेबल से आई है, ठीक है, 190, दिस इज सिग्मा एस सी। तो हम जब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है इन कंप्रेशन, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 1081 mm². तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया। बट अब हमारे पास यहाँ पे एक चेक लगता है, ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला में पुट करके हमारी स्ट्रेसेस की वैल्यू और हमारे जो एरिया है, ठीक है, उसकी हमने वैल्यू डाली और हमारे पास आ गया हमारा एरिया ऑफ स्टील। बट सबसे पहला हमने जो चेक लगाना होता है वो क्या है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या है, इट शुड बी लेस देन 30 डी। अब डी क्या है, लेसर विड्थ ऑफ कॉलम, वही लीस्ट ऑफ द लेटरल डायमेंशन जो हम, सो जो हमारी मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है इट शुड बी लेस देन 30 डी। डी क्या है, लीस्ट ऑफ लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, लेसर विड्थ बोल देते हैं। तो हमारी जो 400 × 400 है कॉलम की डायमेंशन, 30 × 400 किया तो 12,000 हमारा आ गया, तो दिस इज इन mm, सो ये आ गया 12 meters, ठीक है। पर हमारी जो लेंथ ऑफ पाइल थी वो क्या है, 8.6 meter या 8.8 जो हमें गिवन है। सो हमें ये देखना है, सिंस द लेंथ ऑफ पाइल इज लेस देन 30 times द विड्थ, सो हम जो मिनिमम रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं वो है 1.25% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये हमारे कुछ थंब रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो 1.25% में जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे B × D, तो हमारे पास ये आ गया 2000 mm², ठीक है। नॉमिनल कवर हमने 50 mm प्रोवाइड करके 4 बार्स प्रोवाइड कर दी 25 mm की। अब ये कैसे एरिया निकलता है, एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है,
पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो ये हमने इंटू 4 किया तो 1960 mm स्क्वायर आया और 50 का हमने mm दे दिया. तो ये क्या मिनिमम हमारी इतनी रीइन्फोर्समेंट होनी चाहिए. इफ द लेंथ ऑफ पाइल इज लेस देन 30 टाइम्स तो मिनिमम रीइन्फोर्समेंट 1.25 है. अब हमें याद रखना है, मान लो कि हमारी जो लेंथ ऑफ पाइल है वो इट कम्स बिटवीन 30 to 40 डी और इट इज ग्रेटर देन 40 डी, तो हमारे पास कुछ जो थम रूल्स हैं आई हैव रिटन हेयर, दे हैव टू बी अडॉप्टेड. ये देखो, मेन रीइन्फोर्समेंट में इफ द पाइल लेंथ इज लेस देन 30 डी, लीस्ट विड्थ जो है, इट वी टेक द रीइन्फोर्समेंट मिनिमम इक्वल टू 1.25% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइल, एंड इफ द लेंथ ऑफ पाइल लाइज बिटवीन 30 डी टू 40 डी, इट इज वी टेक इट एज 1.5, एंड इट इज इफ इट इज ग्रेटर देन 40 डी, वी टेक इट एज 2% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइल. दीज आर द थंब रूल्स आई हैव रिटन. ये जब हम पूरा डिजाइन कर लेंगे तो ये आपको समझ में आएगा मैंने लिखा क्या है. ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट होगी. वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें. हमने जब लोड हमारा कैरिंग कैपेसिटी हमने निकाली थी, वैल्यूज पुट की, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हमारे पास वैल्यू आ गई, बट हमारी जो मिनिमम रीइन्फोर्समेंट है चेक लगाते हैं वो है 30 डी का. उससे हमें पता लगता है लेस देन 30 डी है, ग्रेटर देन है, और इट लाइज बिटवीन 30 डी टू 40 डी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. अगर ये इससे बड़ा आ रहा होता तो यहाँ पे हम 1.5 ले लेते हैं या 2% ले लेते हैं एज पर द वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है. तो दिस वॉज द लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट जो हमारी आ गई. ठीक है, सो जो इसकी रीइन्फोर्समेंट डिटेलिंग है वो कुछ इस तरह से बनती जाएगी. ये देखिए, ठीक है, तो हमने जो अभी निकाला है दैट इज हमारा 4 बार्स हमने निकाली हैं एट 25 mm डाया. तो हम इसको साथ साथ में बनाते जाएंगे. ये देखो, लॉन्गिट्यूडनल जो रीइन्फोर्समेंट रन थ्रू कर रही है पूरे लेंथ के अलोंग, इट इज 4 बार्स 25 mm डाया. तो हम इसको साथ साथ में बनाते जाएंगे. ठीक है, दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द ब्रुक. इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेटरल रीइन्फोर्समेंट. मैंने आपको अभी बताया था कि हम किस सीक्वेंस से चल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट, देन लेटरल रीइन्फोर्समेंट, लेटरल रीइन्फोर्समेंट पूरे सेक्शन में, ठीक है, फिर बॉटम एंड टॉप में, देन स्पेसर एंड फोर्क्स. तो लेटरल रीइन्फोर्समेंट इन द बॉडी ऑफ द पाइल, ठीक है, बॉडी के अलोंग उसकी. ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट है. तो लेटरल रीइन्फोर्समेंट, ये वाली जो बार्स हैं हमारी, ये पूरी लेंथ में कितनी कितनी आएगी, अब हम ये निकालने वाले हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें नोट करना है, इसके भी अब हमारे थंब रूल्स हैं. लेटरल रीइन्फोर्समेंट जब हम बॉडी ऑफ पाइल में प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड एट 0.2% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको थंब रूल्स बताए थे, ऐसे ही लेटरल रीइन्फोर्समेंट के हैं. ये आपको समझ में आएगा जब हम सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे. बॉडी ऑफ पाइल पे हम देखते हैं 0.2% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम, और जो हमारी स्पेसिंग है इट शुड बी लेस देन डी बाई 2. नियर पाइल में 0.6 है, उसमें लेंथ ऑफ रीइन्फोर्समेंट 3D लेते हैं, सेम इन द केस ऑफ बॉटम एंड. तो जब हम बॉडी ऑफ पाइल में देख रहे हैं तो लेटरल रीइन्फोर्समेंट जो इन द बॉडी ऑफ पाइल इज प्रोवाइडेड एट 0.2% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम. सो हमारा वॉल्यूम नीडेड पर मीटर लेंथ क्या होगा, 0.2% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है, बी इंटू डी इंटू एच होता है. तो हमने क्या लेंथ यहाँ पे पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग, तो 1 आ गया. सो हमारे पास वॉल्यूम आ गया हमारा 320 mm³. अब हम लेटरल रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम टाइज प्रोवाइड करेंगे. तो हमने ज्यूम कर लिया, लेट्स प्रोवाइड 8 mm हमारी डायामीटर टाइज. तो टोटल लेंथ जो है टाई की, एक टाई की, वो कितनी आ जाएगी. अब ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये हमारी टाइज बनती हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हमारा कुछ डायग्राम बनता है ना, टाइज होती है. ठीक है, अब हमने 50 mm कवर लिया है, तो मतलब ये क्या है 50 mm. ठीक है, तो ये क्या है, हर एक साइड हमारा 50
mm, ठीक है, तो ये इंटू फोर किया है मतलब चारों डायरेक्शन, और 400 क्या है हमारी ये, ठीक है, तो ये क्या है हमारी, जब ऐसे हम लेटरल डाइरे तो दोनों तरफ हमारा जो है 50-50 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है एक टाई की वो कितनी आएगी, अराउंड 300 एक टाई की, और टोटल जो हमारी रन थ्रू कर रही है तो वो कितनी हो जाएगी 1200 mm. अब लेंथ ऑफ ईच साइड कितना आ गया 300 mm. अब एरिया देखो, एक 8 mm टाई का एरिया कितना होता है, पाई बाय 4 d², ठीक है, तो 8 mm है तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 50.3 mm² आ गया, तो वॉल्यूम ईच टाई की कितनी आएगी, एरिया ऑफ वन टाई इंटू टोटल लेंथ ऑन ईच टाई, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 50.3 × 1200 जो हमने निकाला था, ठीक है, तो पिच इसके बाद हमारी कितनी है, वॉल्यूम आ गया, पिच कैसे निकालेंगे, एक टाई का वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीडेड पर मीटर लेंथ, तो हमारा ये जो वैल्यू है इट इज डिवाइडेड बाय हमारा वॉल्यूम नीडेड पर एमएम लेंथ, ठीक है, तो ये आ गया 188 mm. बट हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे जो चेक है, जैसे मैंने आपको जो अभी फॉर्मूला बताया था, स्पेसिंग है जो है ना वो क्या है, डी बाय 2 होना चाहिए, तो मैंने मैक्सिमम पिच हमारे पास परमिसेबल कितनी है, डी बाय 2, तो डी कितना है हमारा 400, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 mm, ठीक है, तो मैक्सिमम हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो अब ये हमारे पास पिच आई कितनी है 188, तो हम इनके बीच में हमने कोई एक वैल्यू ले ली, 8 mm टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं हम 180 mm पे, या हम मैक्सिमम 200 भी रख सकते हैं या 190 भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू अस कि हमने इस रेंज के बीच में या इसके आसपास हमने रखनी है, मैक्सिमम हमारी ये है, हमारी जो वैल्यू आई है वो हमारी ये आई है, ठीक है, सो दिस इज द लेटरल रीइंफोर्समेंट, कुछ नहीं है बस हमारी टाइज हैं हमने जो लगाई हैं, टाई की हमने डायमेंशन निकाल ली, ठीक है, ऑन ईच साइड निकाल ली, फिर उसका वॉल्यूम निकाल दिया, तो उसका पिच आ जाएगा मैक्सिमम पिच की हमारे पास परमिसेबल वैल्यू है डी बाय 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टाइज प्रोवाइड कर दी, सो दिस वाज आवर लेटरल रीइंफोर्समेंट इन द बॉडी ऑफ पाइल. अब हम चलते हैं, हमारा लेटरल रीइंफोर्समेंट नियर द पाइल हेड. अब जो हमारी रीइंफोर्समेंट है पाइल हेड के पास, ठीक है, यहाँ पे हम स्पाइरल रीइंफोर्समेंट भी देते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हेलिकल रीइंफोर्समेंट है ना, तो यहाँ हम देते हैं स्पाइरल रीइंफोर्समेंट, ये देखो, एज नियर पाइल हेड स्पेशल स्पाइरल रीइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ लेंथ ऑफ 3D एंड वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल एट द रेट ऑफ 0.6% ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम पर mm लेंथ. ये हमारे थम रूल्स हमने याद रखने हैं. तो नियर द पाइल हेड हमारा क्या है, 3D कितना है हमारा, 3 × 400 जो हमारा d मतलब लेटरल डायमेंशन, तो 1200 mm आ गया. वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल कितना हमारा मेंशनड है, 0.6% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ पर mm लेंथ, तो हमने 0.6 वॉल्यूम इंटू बी इंटू डी इंटू एच कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया. अब हम यहाँ पे भी स्पाइरल जो है 8 mm डाया का प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, इनका एरिया हमें पता है, तो कितना है 50.3 स्पाइरल बार्स का, ठीक है, पिच हमारे पास क्या आ जाएगी, अब बस हमारे पास चीज़ तो वही है बट ये घूमेगी कैसे, ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में, तो इनकी जो पिच है वो डिफर कर जाएगी, क्यों, यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस हमारा स्पाइरल का ले लेंगे, सिंपल, ठीक है, तो हमारे पास जो स्पाइरल का मतलब सर्कल का अगर हम ऐसे निकालते हैं सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr या पाई डी, तो हमने डी इंटू 50.3, तो ये 300 हमने यहाँ निकाला था, लेंथ ऑफ ईच साइड हमने निकाल ली थी, ठीक है, 300 और 50-50 कैसे कवर इधर से भी और इधर से भी हमने जो माइनस किया था, यहाँ से 50 माइनस किया था 400 का, ठीक है, और 300 आगे की ऐसे डायमेंशन, ठीक है, तो हमने इसको जब डिवाइड किया, स्पेसिंग हमारे पास अराउंड आई 49.3, तो हमने 50 mm लिया है, तो अब हम थोड़ा सा अगर एक्सीड करके देना चाहते हैं तो 60 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर हमारे पास जो है
आई है वैल्यू, हम वही ले सकते हैं 50 mm पिच। सो हमने बहुत ध्यान से ये चीज़ नोट करनी है, जब भी हम कोई रीइन्फोर्समेंट डिटेलिंग देते हैं, हमने जो भी कैलकुलेट किया होता है उसको हमें एक लाइन में ज़रूर लिखना होता है, जॉट डाउन करना होता है लाइक दिस। सो प्रोवाइड 8 mm डाया स्पाइरल रीइन्फोर्समेंट एट 60 mm सेंटर टू सेंटर फॉर अ लेंथ ऑफ 1200 mm नियर पाइल हेड। ये 1200 यहाँ से आया, तो यहाँ से जो हमने निचोड़ डाला कुछ नहीं है, स्पाइरल रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, एक हमारे पास जो लेंथ है 3D के ऊपर, और वॉल्यूम कितना लेना 0.6। मैंने आपको दिखाया था, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो हम बॉडी ऑफ पाइल पे लेते हैं तो 0.2% ऑफ ग्रॉस वॉल्यूम ले लेते हैं, और स्पेसिंग हमारा D/2 से लेस होनी चाहिए, और नियर पाइल हेड एंड नियर बॉटम हेड जो होती है वो 0.6 ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम हो जाती है, और जो लेंथ ऑफ रीइन्फोर्समेंट है वो 3D रहती है। बस ये हमने लगाना है, लेंथ लगा दी है, वॉल्यूम निकाल लिया, उससे स्पेसिंग आ गई, उतने हमने स्पाइरल रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट स्टेप इज लेटरल रीइन्फोर्समेंट नियर पाइल एंड, बॉटम एंड मतलब, ठीक है। अब इसका भी वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ लेटरल रीइन्फोर्समेंट नियर द पाइल ऑफ नियर द हेड ऑफ पाइल शुड बी 0.6% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम। तो वही हमने किया, 960 mm क्यूब आ गया, या जैसे ऊपर आया था 960 क्यूब। अब हमारा जो वॉल्यूम है ना, वो कितना आया था 60,360, ठीक है, ये वॉल्यूम आया था हमारा ईच टाई मतलब टाइज का। सो हमारी जो पिच है वो कितनी आ जाएगी, 60,360/960। तो हम इसको कंप्यूट कर लेंगे। सो मैंने इसको कंप्यूट कर लिया और ये हमारी वैल्यू आई है कुछ 62.8 mm, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 70 mm ले लिया, या हम 60 mm भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोवाइड टाइज एट द रेट 70 mm सेंटर टू सेंटर इन अ बॉटम लेंथ ऑफ 3D, डी क्या है 12 mm लेंथ, ठीक है, वही 0.6 वाला रूल, और हमने पिच निकाल दी है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है, प्रोविजन ऑफ स्पेसर फोक्स एंड लिंक्स। अब ये आपको याद करना है कि हमें ये प्रोवाइड करने ही होते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमारी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट होने के बावजूद भी हम इन चीज़ों को डिज़ाइन, इनको हम क्यों रखते हैं अपने उसमें, ताकि जो अंदर की तरफ बेंडिंग ना हो जाए, या वो जो इंटैक्ट रहे अपनी पोजीशन में लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट। तो इसलिए हम स्पेसर फोक्स और लिंक्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो स्पेसर फोक्स और लिंक्स हैं वो हम 12 mm डाया से 16 mm डाया पे देते हैं, और उनकी जो स्पेसिंग है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 सेंटर टू सेंटर, एंड अगर लिफ्टिंग होल्स का भी बोला हो, ठीक है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं 32 mm डाया एट द रेट 1.5 मीटर फ्रॉम एंड, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये लिखना है, इसकी हमें कोई डिटेलिंग नहीं होती, ये यू हैव टू जॉट डाउन, प्रोवाइड टू पेयर्स ऑफ 12 mm डाया स्पेस फोक्स विद 6 mm डाया लिंक्स एट 1.5 सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है। तो इसकी जो ड्राइंग है, डिटेल ड्राइंग है, वो कुछ इस तरह बनेगी। ये देखिए, यहाँ पे हमें 400/400 हमारा क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये हमें लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट दे रखी है, ये देखो हमारी लेटरल डायमेंशन दी हुई है नियर द एंड्स, है ना, ये देखो 1200 हमने डायमेंशन निकाल ली थी, 3D जो वैल्यू थी वो चीज़ है ये, ठीक है, और ये भी वही है, ठीक है, 3D एंड 3D फ्रॉम दिस एंड एंड दिस एंड, ये 3D होता है, 8 mm टाइज हमारी चल रही हैं, ये देखो ये होता है स्पेसर फोक्स। अब ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट टाइज को इंटैक्ट रखता है स्पेसर फोक्स, ठीक है, उनको हमें इतने डिस्टेंस पर बनाए। सो दिस इज आर डिटेल ड्राइंग एंड दिस वाज द वेरी सिंपल डिजाइनिंग ऑफ द पाइल फाउंडेशन, ठीक है। पाइल फाउंडेशन में सबसे पहले हमने लोड कैलकुलेट कर लिया, L/D रेशियो देख के हमने एक रिडक्शन कॉफिशेंट निकाल लिया, ठीक है, तो हमारा डिज़ाइन रोड हम उससे डिवाइड कर देंगे। देन लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमने SC की वैल्यू निकाल ली, ये WSM मेथड से, ये हमारा क्लॉज नंबर 8.3.1 है, पेज नंबर 81 पे, IS 456 में, हियर आई शुड मेंशन IS 456 2000, ओके।
देन इसमें हमारे जो रूल्स हैं वो क्या हैं, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट इट शुड बी लेस देन 30D, 1.25% हम रीइन्फोर्समेंट ले लेते हैं, अगर 30 से 40D के बीच में आए तो 1.5% लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 40D लेते हैं तो हम 2% रीइन्फोर्समेंट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लेटरल रीइन्फोर्समेंट निकालनी है, ठीक है, टाइज निकाल लेनी है हमने, वन लेंथ ऑफ टाई निकाल लेनी है, वॉल्यूम निकाल लेना है, फिर हमने पिच निकाल देना है एंड में, पिच के अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम पिच परमिसिबल D/2 करके देख लेना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक लग जाएगा। एंड देन इन द केस ऑफ लेटरल रीइन्फोर्समेंट नियर पाइल हेड, ठीक है, पाइल हेड यहाँ पे जो है, ये पाइल हेड है, यहाँ पे हम स्पाइरल भी दे रहे हैं रीइन्फोर्समेंट, बॉटम में नहीं है, सिर्फ स्पाइरल हेड में है, पाइल हेड, टॉप हेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो रूल है वो क्या रहेगा, थंब रूल हमारा 3D की लेंथ पे प्रोवाइड करते हैं हम, दिस इज एट द लेंथ ऑफ 3D एंड एट वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल इज 0.6% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम। यहाँ पे भी वही है, स्पेसिंग निकाल लेंगे हम पिच की, ठीक है, ये प्रोवाइड है, देन पाइल एंड पे स्पाइरल नहीं है, तो सिंपल वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया हमारी वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल को, ठीक है, वो डाला हमने, हमारे पास बॉटम एंड की भी आ गई, एंड देन हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया एंड में हमारा स्पेस ऑफ फोक्स एंड लिंक्स। तो हमारी जो एंड में जो ड्राइंग बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, स्पेस ऑफ फोक्स है, लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट है, लेटरल डायमेंशन है, 3D है, ठीक है, तो ये सब बनेगी। तो इसके बाद आई कैन से दैट दीज आर सम थंब रूल्स विच यू हैव टू रिमेंबर विद मी, ओके, मेन रीइन्फोर्समेंट के लिए, लेटरल रीइन्फोर्समेंट के लिए, देन फॉर स्पेस ऑफ फोक्स एंड लिफ्टिंग होल्स, ओके। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दीज आर द थंब रूल्स, यू हैव टू रिमेंबर, नथिंग एल्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू इमेजिन इट थ्रू अ डायग्राम, ये थोड़ा नीटली नहीं बना है बट ये कुछ इस तरह से जाएगा, जस्ट सी, ऐसे बनेगा ये डायग्राम, ये देखो 3D पाइल के एंड पे और इस पे बनाया है, ये मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये ड्राइंग थी गिवन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रहेगा, देखो 0.6% लिखा है, लेटरल स्टील 0.2% है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील मिनिमम कितना होना चाहिए, देखो एल की वैल्यू कितने से कितने लाई करती है, तो कितनी रीइन्फोर्समेंट होनी चाहिए, 3D है, कैसे डिज़ाइन करना है। तो दीज आर सम थंब रूल्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज, ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। सो दिस वॉज आर डिज़ाइन ऑफ पाइल फॉर्म, होप दिस इज हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू डिज़ाइन दिस। एंड अगर हमें मान लो कि लिमिट स्टेट से करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये देखो मैंने एक क्वेश्चन लिमिट स्टेट से भी किया हुआ है, यहाँ पे हम कोई फैक्टर नहीं लेते हैं, अगर हमें सर्विस लोड कैलकुलेट करना है ईच पाइल पे, सीधा हम, ये कोई और क्वेश्चन है जहाँ 3600 किलो न्यूटन गिवन है, नंबर ऑफ पाइल 6 गिवन है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके अल्टीमेट लोड 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट में हम वहाँ जो PU की वैल्यू लेते थे, यहाँ हम लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, दिस इज इन क्लॉज नंबर 39.3 पेज नंबर 71। बाकी सारे स्टेप सेम है, वही लॉन्गिट्यूडनल रीइन्फोर्समेंट लेस देन 30D चलेगा, ऐसे ही हम लेटरल रीइन्फोर्समेंट बॉडी ऑफ पाइल में निकालेंगे, फिर हम नियर पाइल हेड निकालेंगे, फिर हमारा बॉटम एड पे निकालेंगे, स्पेस ऑफ फोक्स निकालेंगे, सेम चलेगा, बस जो हम लिमिट स्टेट में जो थोड़ा डिफरेंस आएगा, स्टार्टिंग में हमने वहाँ रिडक्शन कोफिशिएंट लिया था, L/D रेशो कंसिडर की थी, यहाँ पे हम वैसा कुछ नहीं कर रहे, सिंपल अल्टीमेट लोड 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा जो PU की वैल्यू, हम ये फॉर्मूला लिमिट स्टेट का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज गिवन इन क्लॉज नंबर 39.3 पेज नंबर 71। इट इज़ योर विश, यू वांट टू डिज़ाइन इट बाय LSM मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इट इज़ एंटायरली अप टू यू। थैंक यू फॉर बींग पेशेंट लिसनर्स, एंड दिस वॉज द डिज़ाइन, सिविल इंजीनियरिंग विद मी, डिज़ाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच।